क्लास सेवन चैप्टर टू फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं सो लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दैट इज अबाउट द फ्रैक्शन फ्रैक्शन आर थ्री टाइप्स फर्स्ट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन सेकेंड इज द इम प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड इज द मिक्सड फ्रैक्शन तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसमें न्यूमिनेटर स्मॉलर होता है किससे डिनोमिनेटर से उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं दैट इज़ बाय फाइव दैट इज न्यूमिनेटर ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं इसमें क्या है न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर थ्री है डिनोमिनेटर फाइव है न्यूमिनेटर जब स्मॉल हो डिनोमिनेटर से तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज ये तो फर्दर कैंसिल नहीं हो रहा अगर ये फर्दर कैंसिल हो भी रहा हो तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म का एक फ्रैक्शन की फॉर्म का ही रहेगा इसीलिए इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन देन है हमारे पास इम प्रॉपर फ्रैक्शन दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन इसमें क्या है न्यूमिनेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर जा तो इक्वल होगा जहाँ फिर बड़ा होगा किससे डिनोमिनेटर से लाइक एग्जाम्पल फाइव बाई थ्री फाइव बाई थ्री इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ इम प्रॉपर फ्रैक्शन इसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. ये डिनोमिनेटर है एंड ये है न्यूमिनेटर नाउ मिक्सड फ्रैक्शन किसे बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर इसमें सारे के सारे क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं एंड प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करके राइट कर सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम मिक्सड फ्रैक्शन कह सकते हैं बट इसकी फॉर्म क्या होती है अगर कोई भी फ्रैक्शन इस फॉर्म में राइट किया हो तो हम उसे बोलते हैं दैट इट इज़ अ मिक्सड फ्रैक्शन ये होता है इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं देन इसमें ऐड करते हैं देखिए कैसे फाइव टू जट टेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फाइव टू जट टेन टेन प्लस थ्री थर्टीन सो ये बन गया थर्टीन बाई फाइव तो ये क्या बन गया एक इम प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है इम प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है बट मिक्सड फ्रैक्शन की अगर फॉर्म में हम अगर इसे डिनोट करें तो ये इस फॉर्म में डिनोट होगा हो। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन इस फॉर्म में हो चाहे वो मिक्स इम प्रॉपर फ्रैक्शन हो या फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसको हम बोलेंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ द फ्रैक्शन दीज आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन ये सारी हमारे सारे चैप्टर्स में यूज़ होनी है फुल चैप्टर इसी पर बेस्ड है बिकॉज द नेम ऑफ चैप्टर इज़ फ्रैक्शन एंड डेसीमल्स सो आई होप आपको फ्रैक्शन की टाइप ईजिली अच्छे से समझ आ गई होगी सो ना लेट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि एल्शियम कैसे लेते हैं जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एलसीयम एंड एच सी एफ कैसे लेते हैं बट यहाँ पे हमने क्या करना है यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है टू फ्रैक्शंस का ये टॉपिक भी सारे के सारे फुल चैप्टर में यूज़ होना है और हायर क्लासेस में भी ये यूज़ होता है ये टॉपिक के बारे में बार बार से कोई नहीं आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा आपको अच्छे से इसको अभी देखना पड़ेगा बिकॉज़ बेसिक जो है वो हर क्लास में तो टीचर्स नहीं करवा सकते ना तो स्टार्ट करते हैं एल्शियम कैसे लेते हैं फ्रैक्शंस का मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आपके लिए फ़र्स्ट एग्जांपल लेने लगी हूँ दैट इज़ टू बाय वन माइनस थ्री बाई फाइव अब हमने इसका एल्सीयम लेना है एल्शियम किसका लेते हैं हम हमारे पास टू फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं और इसके बीच में नेगेटिव का साइन है एल्शियम हमने लेना है वन का एंड फाइव का ये टू डिजिट्स का हमने एल्शियम लेना है तो इसका एल्शियम मैं ले लेती हूँ तो इसका एलसीएम मेरे पास आया है फाइव सो so कैसे राइट करूँगी इसको फर्दर कैसे सॉल्व करूंगी मैं फ़ाइव इज़ द एलसीएम जो हमारा एलसीएम आया आंसर आया उसको मैंने इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देखना है जो आंसर आएगा लाइक like फाइव को वन के साथ डिवाइड किया दैट इज़ फाइव जो आंसर आया फ़ाइव आंसर आया फ़ाइव को मैं टू के साथ मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर वाले के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ क्या करना है डिवाइड किसको ये वाले एल्सीय के आंसर को ये एल्सीय को फाइव को वन से डिवाइड किया दैट इज़ फाइव फाइव को अब मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगी फाइव टू ज टेन साइन माइनस का था इन दो डिजिट्स के बचाले फ्रैक्शन के बीच में तो मैं डालूँगी नेगेटिव अगर मुझे गिवन होता पॉजिटिव इन दो फ्रैक्शंस के बीच में तो मेरा एल्सीय में साइन क्या आना था पॉजिटिव का अब इसके साथ कैसे करेंगे फाइव को फाइव के साथ डिवाइड किया दैट इज़ वन वन को मैंने ऊपर वाले के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है वन थ्री ज़ा थ्री थ्री वन ज़ा थ्री तो इसके आगे का स्टेप क्या होगा सॉल्व करके टेन माइनस थ्री देट इज़ सेवन बाय फाइव तो ये टू फ्रैक्शन जो मुझे गिवन थे इनका आंसर क्या आ गया सेवन बाय फाइव इस तरह से इस चैप्टर में हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे ये तो था ईजियर वन एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम इसमें दैट इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल if we have थ्री बाई सेवन प्लस टू बाय सेवन थ्री बाई फाइव प्लस टू बाई सेवन दो इंटी फ्रैक्शन हैं मेरे पास कैसे लूँगी इनका फ्रैक्शन मैं एल्सीयम लेना है अब मैंने इसको अगर मेरे पास टू फ्रैक्शंस होते हैं तो उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ एल्सीयम ले कर एल्सीय ले रही हूँ पहले मैं फ़ाइव एंड सेवन का फाइव एंड सेवन का एल्सीयम कैसे आएगा आई होप आप सबको एल्सीयम लेना अच्छे से आता होगा ऐसे मैंने एल्सीयम ले लिया इससे आगे का स्टेप आपके लिए न्यू है वो कैसे करना है एल्सीयम आया सेवन फाइव ज थर्टी फाइव थर्टी फाइव इज द एल्सीयम ऑफ फाइव एंड सेवन हेयर तो थर्टी फाइव को मैंने नीचे वाले के साथ डिवाइड करना है और उसका जो आंसर आएगा उसको मैंने ऊपर वाले के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है थर्टी फाइव को फाइव के साथ डिवाइड किया दैट इज़ सेवन सेवन थ्री ज ट्वेंटी वन पॉजिटिव का साइन था सो प्लस थर्टी फाइव सेवन के साथ डिवाइड किया दैट इज फाइव फाइव टू ज टेन तो ये आ गया मेरा ट्वेंटी वन प्लस टेन बाय थर्टी फाइव इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगी दैट इज़ थर्टी वन बाय थर्टी फाइव दैट इज़ दर आंसर हमने ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को ऐसे ही एल्शियम लेते हैं ये एल्शियम सिंपल है इसको फर्दर ऐसे यूज़ करके हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके हमने सिंपलीफाई करना है वैल्यूज़ फाइंड करनी है इसके बाद हम एल्शियम लेके जो फ्रैक्शनल वैल्यू अपटेन हुई है इसको अगर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक like कटिंग करके अगर कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर सकते हैं अदरवाइज इस तरह से हम अपने फ्रैक्शन को फर्दर एक्सरसाइज में सिंप्लीफाई करेंगे इन दिस फॉर्म सो नाउ लेट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज टू पॉइंट वन नाओ वी आर विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज टू सॉल्व टू माइनस थ्री बाई फाइव हमें गिवन है एक फ्रैक्शन है टू के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में इसका मतलब टू के नीचे क्या है वन ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करके बता के हटूँ कि इसका एल्सिन कैसे लेना है फाइव एंड वन का एल्सीयम लिया ये आ गया फाइव को वन के साथ डिवाइड किया दैट इज़ फाइव फाइव टू ज टेन एल्सीयम लेना मैं अभी आपको सिखा के रहूँ सिमिलर उसी वे से लिया है सेम स्टेटमेंट मैंने आपके लिए ली थी एक्जाम्पल में ताकि आपको एल्सीयम लेना अच्छे से आ जाए फाइव को फाइव के साथ डिवाइड किया दैट इज़ वन वन थ्री ज थ्री साइन नेगेटिव का इसी तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व नाउ वी आर विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज़ ना सेकेंड पार्ट इज़ द वी हैव फोर प्लस सेवन बाई एट फोर के नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब फ़ोर के नीचे क्या है वन एट एंड वन का एल्सीय लेंगे वो मेरा आया एट इसको हम फर्दर सेम ऐसे ही करेंगे मैं हर एक स्टेप में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज मैं स्टार्टिंग में आपको एल्सीयम अच्छे से सिखा चुकी हूँ एक बार बता देती हूँ फिर से क्या करना है एट एल्सीयम आया एट एंड वन का एट को वन के साथ डिवाइड करेंगे आंसर आया मेरा एट एट को फोर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी दैट इज़ एट फोर ज़ा थर्टी टू प्लस का साइन था प्लस डाल दिया एट को एट के साथ डिवाइड किया वन वन सेवन ज़ा सेवन थर्टी टू प्लस सेवन दैट इज़ थर्टी नाइन बाई एट दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ वी आर विद द सी नाउ सी पार्ट क्या है ये मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ एग्जाम्पल की फॉर्म में एल्सीयम लेने कैसे लेना है उसमें मैंने आपको समझाई थी ये एग्जाम्पल फाइव एंड सेवन का पहले हमने एल्सीय लिया देन उसको थर्टी फाइव आ गया थर्टी फाइव को हमने फाइव के साथ डिवाइड किया था उसके आंसर को दैट इज़ सेवन आंसर आया था सेवन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज़ ट्वेंटी वन थर्टी फाइव फिर से एल्सियम उठाया सेकेंड फ्रैक्शन से हमने इसको डिवाइड किया सेवन से दैट इज़ फाइव फाइव टू ज टेन इसलिए यहाँ पे टेन आ गया इसके बाद इसको ऐड किया दैट इज़ द आंसर जैसे कि मैं आ, मैंने आपको बताया था कि कटिंग अगर पॉसिबल है तो सॉल्व करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए कटिंग जरूर कर देना अगर पॉसिबल नहीं है कटिंग देन नो नीड टू डू कटिंग ओके नाउ डी पार्ट दैट इज़ नाइन बाई इलेवन माइनस फोर बाई फिफ्टीन ठीक है अब हमने यहाँ पे इलेवन एंड फिफ्टीन का एल्सीयम लेना है आप देख सकते हो एल्सीयम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो खुद से एल्सीयम मैंने ले लिया मेरा एल्सीयम का आंसर आया वन सिक्सटी फ़ाइव तो मैंने वन सिक्सटी फाइव को इलेवन से डिवाइड किया दैट इज़ फिफ्टीन फिफ्टीन को मैं नाइन से मल्टीप्लाई करूंगी जो आंसर आया उसको नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ गया माइनस का साइन गिवन था माइनस इसको मैंने फिफ्टीन से डिवाइड किया दैट इज़ इलेवन इलेवन फोर जा फोर्टी फोर इसको मैंने माइनस किया सब्ट्रैक्ट किया दैट इज़ द आंसर ऑफ डी पार्ट नाउ ई पार्ट इज़ ऑल्सो सिमिलर बट यहाँ पे क्या है हमें थ्री फ्रैक्शंस गिवन हैं सेवन बाई टेन टू बाई फाइव प्लस थ्री बाई टू देर आर थ्री फ्रैक्शन वी हैव तो क्या करना है इसमें मैंने तीनों के तीनों के डिनोमिनेटर्स का मैंने एल्सीयम ले लिया एज यू ऑल नो हाउ टू टेक एल्सीयम ऑफ थ्री डिजिट्स एल्म लेने के बाद मैंने क्या किया एल्सीय मेरा आया टेन फाइव टू ज टेन मेरा एल्सीय आ गया तो so, एल्सीय लेने के बाद टेन को टेन के साथ डिवाइड करूँगी वन दैट इज़ वन को सेवन के साथ मल्टीप्लाई किया सेवन प्लस ये आ गया टू 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 ज फोर प्लस ये आ गया फाइव फाइव थ्री जॉ फिफ्टीन इन सबको मैंने ऐड किया अपर वाले को दैट इज़ ट्वेंटी सिक्स बाई टेन आया टू के टेबल पे मैंने इसकी कैंसिलेशन की है कटिंग की है टू फाइव ज़ा टेन टू थर्टीन ज ट्वेंटी सिक्स सो मेरा आंसर किस फॉर्म में आ गया मेरा आंसर आया थर्टीन बाई फाइव नाओ वी आर विद द एफ पार्ट तो ये है हमारा एफ़ पार्ट दैट इज़ टू टू बाई थ्री प्लस थ्री वन बाई टू ये इक्वेशन हमें फ्रैक्शन किस फॉर्म में गिवन है दैट इज़ इन द मिक्सड फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें गिवन है पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे थ्री टू जो सिक्स सिक्स प्लस टू एट दैट इज़ एट बाई थ्री प्लस थ्री टू जो सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन सेवन बाई टू चेंज कर लिया हमने अब हम थ्री एंड टू का एल्सीयम लेंगे दैट इज़ सिक्स सिक्स एल्सियम लिया जैसे मैंने आपको सिखाया था सिक्स को टू थ्री के साथ डिवाइड करेंगे दैट इज़ टू एट टू जो सिक्सटीन प्लस का साइन सिक्स को टू के साथ डिवाइड करेंगे दैट इज थ्री सेवन थ्री जर ट्वेंटी वन इंक्वा एड किया दैट इज़ अर आंसर नाउ बिकॉज आंसर अभी ये नहीं है क्यों बिकॉज हमें क्वेश्चन मिक्सड फ्रैक्शन में गिवन था इसीलिए हमें आंसर भी किस फॉर्म में देना चाहिए मिक्सड फ्रैक्शन की फॉर्म में थर्टी सिक्स बाई थर्टी सेवन बाई सिक्स आया हमारा उसको हमने डिवाइड करके देखना है अब मैं आपको सिखाऊंगी कि मिक्सड फ्रैक्शन किस फॉर्म में कैसे राइट करते हैं सिंपल मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था उसको मैंने अब राइट करना है मिक्सड फ्रैक्शन की फॉर्म में सिक्स के साथ मैंने थर्टी सेवन को डिवाइड किया वी ऑल नो सिक्स सिक्स था थर्टी सिक्स तो मेरा रिमाइंडर कितना बच गया वन तो अब कैसे राइट करेंगे नीचे राइट करते हैं हम ऑलवेज डिवाइजर और उसके सामने सेंटर में जो डिजिट आता है वो होता है क्वेश्चन ऊपर जो होता है वो होता है रिमाइंडर इस फॉर्म में हम राइट करते हैं अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन दैट इज़ डिवाइजर था सिक्स क्वेश्चन था सिक्स रिमाइंडर आया वन ये दैट इज़ द मिक्सड फ्रैक्शन नाउ नाउ देर इज द जी पार्ट द लास्ट पार्ट सेवेंथ पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज फॉर यू यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन इफ एनी क्वेरी देन यू कैन सी फ्रॉम द नोट्स हाउ टू सॉल्व एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन नाउ वी आर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम एक बात और जा आ, सीख लेते हैं यहाँ पे क्या है यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन एंड द अनलाइक फ्रैक्शन अब लाइक like फ्रैक्शन किसे बोलते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो अगर सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन नाउ अनलाइक फ्रैक्शन हम किसे बोलते हैं जिन जिसमें सबका न्यूमिनेटर सेम हो उसमें सबका डिनोमिनेटर सेम था इसमें सम, सब सबका न्यूमिनेटर सेम होगा तो उसे हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन now we are with the second question of the exercise 2.1 that is arrange the following sequence in the descending order we are given with the three fractions here we have to arrange it in the descending order how we can arrange firstly हमें इसको like fraction बनाना पड़ेगा कैसे बनाएंगे वो हम इन सब का LCM लेके इनके denominators का मैंने LCM लिया पहले LCM जो आया मैंने देखना है कि कैसे मैं इन सब के डिनोमिनेटर की वैल्यू उस एल्सियम से मैच करवाऊँ मैंने डिनोमिनेटर सबका सेम बनाना है पहले फिर मैं जज कर पाऊँगी कि कौन सा इसमें से ग्रेटर है एंड कौन सा स्मॉलेस्ट है मैंने टू बाई नाइन था उसको मैंने सेवन से, से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है नीचे भी जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे बोथ साइड्स करना है एक साइड करके नहीं हट जाना ऊपर भी करना है नीचे भी करना है बिकॉज मेरा एल्म सिक्सटी थ्री आया था तो मैंने डिनोमिनेटर में सिक्सटी थ्री फॉर्म करना था तो नाइन को किससे मल्टीप्लाई करूँगी सेवन से तो नीचे किया है ऊपर भी करना है जो वैल्यू आई राइट कर ली टू बाई थ्री को किससे मल्टीप्लाई करूँगी ट्वेंटी वन से ट्वेंटी वन थ्रीजा सिक्सटी थ्री अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि मैं किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरी एल्सीयम वाली वैल्यू बन जाए आप ऐसे भी देख सकते हो देखो थ्री थ्री जा नाइन एल सी मेरा आया अगर मैं थ्री का पेयर ये हटा दूँ मेरे क्या था थ्री थ्री जो नाइन बनता है अगर मैं नाइन को हटा दूँ कौन सा डिजिट बच रहा है ओनली सेवन तो मैं सेवन के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा एल वाला डिज़िट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे था एल में थ्री तो अगर मैं थ्री को थ्री को छुपा दूँ तो मेरा कौन सा डिजिट बच रहा है सेवन एंड थ्री दैट इज़ सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन इसलिए मैंने ट्वेंटी वन के साथ मल्टीप्लाई किया अब इस पर क्या है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन सेवन थ्री से ट्वेंटी वन को अगर मैं छोड़ दूँ क्या बच रहा है ओनली थ्री तो मैं ऊपर नीचे किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी थ्री के साथ ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाए डिनोमिनेटर सेम होने के बाद आप इजीली जज कर सकते हो फोर्टी टू इज़ द ग्रेटर वैल्यू सो टू बाई थ्री इज़ द ग्रेटर ये फर्स्ट नंबर पे राइट करेंगे बिकॉज डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है फर्स्ट इज ऑन द ग्रेटर देन सो ऑन देन लास्ट पे क्या आता है उस पर सबसे स्मॉलर वन लास्ट में सबसे स्मॉलर वन होता है किस में डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक है तो अब फोर्टी टू ग्रेटर था तो टू बाई थ्री फ्रैक्शन सबसे पहले आएगा उसके बाद की वैल्यू आएगी एट बाई ट्वेंटी वन बिकॉज़ फोर्टी टू से स्मॉलर क्या है ट्वेंटी फोर इसलिए ये वाली वैल्यू आ गई सबसे स्मॉल क्या है फोर्टीन वैल्यू तो इसका क्या आएगा टू बाई नाइन दैट इज़ विद द वी आर विद एन आवर सोल्यूशन दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना था वो हमने कर दिया नेक्स्ट बी पार्ट इज़ फॉर यू आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा पी डी एफ फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में इफ़ एनी क्वेरी बट ट्राई टू सॉल्व आर यूर सेल्फ फर्स्टली आपने अपने आप से सॉल्व करके देखना है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए इस क्वेश्चन की नाउ वी आर विद द थर्ड पार्ट तो थर्ड पार्ट क्या है इस एक्सरसाइज का टू पॉइंट वन का थर्ड पार्ट इज़ अ बुक पार्ट वी आर गिवन विद द मैजिक स्क्योर वी हैव टू सी दैट सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड अलॉन्ग डाइगनल्स इज सेम अगर सेम है देन ये होगा मैजिक स्केर अदरवाइज नो दे इज नॉट अ मैजिक स्केर नाउ कैसे पॉइंट करेंगे वी हैव टू एड दिज ऑल वैल्यूज वी हैव टू एड दिज ऑल फ्रैक्शन जैसे आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है तो ईजिली ऊपर वाले को हम ऐड करके देख सकते हैं देट इज़ नाइन इलेवन इलेवन प्लस फोर दैट इज़ फिफ्टीन तो क्या आ गया मेरा फिफ्टीन बाई इलेवन तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग क्या आ गया फिफ्टीन बाई इलेवन अब सारी रोज एंड कॉलम्स के अलोंग मैंने चेक किया इसे बोलते हैं रो इस साइड को जो होती है इस साइड को जो होती है इसे बोलते हैं कॉलम एंड जो ये वाली वैल्यूज होते हैं इन्हें बोलते हैं डायग्नल्स सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड करके देखना है थ्री कॉलम्स को थ्री रोज़ को एंड दोनों के दोनों डायग्नल्स को अगर सम फिफ्टीन बाई इलेवन आ रहा है इट मीन्स येस दिस इज़ अ मैजिक स्क्वेयर नाउ वी आर विद द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज़ वॉट we have a rectangular शीट पेपर दैट इज़ 12 1 बाई 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ट्वेन 2 बाई 3 सेंटीमीटर वाइड एक रिक्टेंगुलर शीट दी है हमें पेपर की उसकी लेंथ बता दी उसकी ब्रेथ बता दी उसका हमने पैरीमीटर फाइंड आउट करना है पहले तो हमें आप देख सकते हो मिक्सड फ्रैक्शन में वैल्यूज़ गिवन है इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे लेंथ ऑफ पेपर इज दिस थी कैसे करेंगे टू ट्वेल्थ झा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस वन दैट इज ट्वेंटी फाइव बाई टू सेंटीमीटर दैट इज़ द लेंथ ऑफ पेपर नाउ ब्रेथ ऑफ पेपर इज़ वॉट थ्री टेन्न झा थर्टी प्लस टू थर्टी टू बाई थ्री सेंटीमीटर दैट इज़ द लेंथ ऑफ सॉरी ब्रेथ ऑफ पेपर नाउ पैरीमीटर ऑफ पेपर कैसे होगा क्योंकि पेपर क्या होता है एक रिक्टेंगुलर शीट होती है पेपर स्क्वायर शीट तो होती नहीं उन्होंने वैसे भी बता रखा है कि रिक्टेंगुलर शीट ही ली है अब हमने ठीक है तो पैरीमीटर ऑफ पेपर क्या होगा रिक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है टू इंटू एल प्लस बी फॉर्मुला अप्लाई किया हमने एल की ट्वेंटी फाइव बाई टू वैल्यू बी की थर्टी टू बाई थ्री वैल्यू हमने सब्सिट्यूट कर दी उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है बिकॉज दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं तो एलसीएम लेंगे एलसीएम कैसे आएगा इसका देखिए दैट इज़ टू और थ्री का हमने एलसीएम लिया एलसीएम लेके मेरा आंसर आ रहा है सिक्स सिक्स नीचे आ गया जैसे मैंने आपको एल्सीम लेना सिखाया है सिक्स को टू के साथ डिवाइड किया दैट इज़ थ्री ट्वेंटी फाइव थ्री ज़ा दिस वन प्लस सिक्स को थ्री के साथ डिवाइड किया दैट इज़ टू थर्टी टू टू जो दिस वन इन दोनों को हम ऐड करेंगे अब ऐड करके मेरा आ रहा है वन थर्टी नाइन अब मेरी सिम्पलीफाई हो चुकी है वैल्यू क्या आ रहा है मेरा टू इंटू ये वाली वैल्यू अब मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ इजिली बिकॉज दिख रहा है कि टू वन जॉ टू थ्री टू जो सिक्स है मल्टीप्लाई करके भी आप कैंसिल कर सकते हो वन थर्टी नाइन को टू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भी बट वो क्या होगा वो डिज़िट ग्रेटर हो जाएगा आपको फिर कैलकुलेशन करनी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप इजीली स्मॉलर डिज़िट्स को कैंसिल कर सकते हो एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि जैसे ये डिज़िट्स हैं टू सिक्स के साथ कैंसिल हो सकता है वन थर्टी नाइन अगर कैंसिल हो रहा हो तो वन थर्टी नाइन को हम सिक्स के साथ कैंसिल करते कर सकते हैं जो भी डिजिट कैंसिल होता है कट होता है ऊपर नीचे ही कटिंग होती है ऑलवेज सामने वाले डिजिट की कटिंग नहीं कर सकते बेटे इसका अपने ध्यान रखना है टू एंड वन थर्टी नाइन की कटिंग हम कभी भी नहीं कर सकते चाहे हो रही हो चाहे वो सेम टेबल पे आ रहे हो सामने वाले डिजिट्स की कटिंग कभी नहीं होती ऊपर नीचे डिजिट्स की ही कटिंग होती है सो पैरीमीटर ऑफ पेपर क्या आ गया मेरा दैट इज़ वन थर्टी नाइन बाई थ्री बट मुझे जो लेंथ की वन थी क्वेश्चन में वो मुझे मिक्सड फ्रैक्शन में गिवन थी तो मैंने क्या किया जो मेरा आंसर आया उसको मैं अब मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करके राइट करूँगी तो देखिए कैसे कर रही हूँ येस बिकॉज मेरा आंसर ये आया था मेरा न्यूमिनेटर बड़ा था तो इसलिए मैं मिक्सड फ्रैक्शन में अब चेंज करने जा रही हूँ थ्री के साथ मैंने वन थर्टी नाइन को डिवाइड किया आप इजिली डिवाइड कर सकते हो एंड इसको मिक्सड फ्रैक्शन में राइट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे राइट किया नीचे डिवाइजर सेंटर वाला डिजिट क्या होता है फोर्टी सिक्स क्वेश्चन वन इज़ द रिमेंडर सो वी आर विद द फ्रैक्शन ऑफ दिस वैल्यू नाउ वी आर विद द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज टू पॉइंट वन क्या करना है फिफ्थ क्वेश्चन में वी आर विद द क्वेश्चन फाइंड द पैरीमीटर्स ऑफ हमें एक डायग्राम गिवन है हमने पैरीमीटर्स फाइंड करने हैं जिस जिसका इन्होंने पूछा है टू पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के पहले इन्होंने पूछा है पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल ए बी ई का हमने पैरीमीटर फाइंड करना है देखो कैसे करेंगे बिकॉज ये इक्विलेटर ट्राइंगल नहीं है ना ही एसोसलिस ट्राइंगल है तो इस पर कोई फॉमुला अप्लाई नहीं होगा पैरीमीटर के लिए हम तीनों साइड्स को ईजीली एड कर सकते हैं बिकॉज लेंथ्स गिवन है तो तीनों साइड्स को जब हम ऐड कर देंगे वो हमारा आ जाएगा पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी ई तो पहले ए बी साइड ऐड की दैट इज़ फाइव बाई टू देन हमने बी ई साइड ऐड की दैट इज़ बी ई हेयर दैट इज़ टू थ्री बाई फोर देन ई ए साइड एड की दैट इज़ थ्री थ्री बाय फाइव ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया फ़ोर टू ज़ा एट एट प्लस थ्री इलेवन बाई फोर ठीक है फ़ाइव थ्री ज़ा फ़िफ्टीन फिफ्टीन प्लस थ्री दैट इज़ एटीन बाई फाइव अब इन तीनों का मैं क्या लूँगी एल्सीयम लूँगी आप इजिली एल्सीयम सॉल्व कर सकते हो एल्सीम लेने के बाद मेरा आंसर आ रहा है ट्वेंटी सो नीचे क्या आ जाएगा ट्वेंटी आप इजिली ये एल्सियम सॉल्व कर सकते हो उसके बाद ट्वेंटी को टू के साथ डिवाइड किया दैट इज़ टेन टेन फाइव ज फिफ्टी सिमिलरली ये टू वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली उसके बाद यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना है तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे वी आर विद द वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन बाई ट्वेंटी अब बिकॉज़ हमें मिक्सड फ्रैक्शन में वैल्यूज़ गिवन थी एंड इम प्रॉपर फ्रैक्शन में भी वैल्यूज़ गिवन थी तो अब हम क्या करेंगे मिक्सड फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे ट्वेंटी को मैंने डिवाइड किया सिंपली वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन के साथ और जो वैल्यू आई मेरी ये रहा डिवाइजर क्वेश्चन इज एट सो वी राइट क्वेश्चन इन द मिडल एंड सेवनटीन इज द रिमाइंडर सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट दैट इज द एरिया सॉरी पैरिमीटर ऑफ ट्राएंगल ए बी ई नाउ वी आर विद द सेकेंड पार्ट दैट इज रिक्टेंगल बी सी डी ई यू ऑल सी बी सी डी ई देर इज़ अ रिक्टेंगल हेयर इन द फिगर वी हैव टू शो दैट हुज़ पैरीमीटर इज ग्रेटर होूज पैरीमीटर इज ग्रेटर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर और पैरीमीटर ऑफ रिक्टेंगल इज ग्रेटर ट्राइंगल का पैरीमीटर ग्रेटर है या फिर रिक्टेंगल का कैसे शो करेंगे ट्राइंगल का पैरीमीटर तो हम फाइंड कर चुके अब हम रिक्टेंगल का पैरीमीटर फाइंड करेंगे देन हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन से का पैरीमीटर जो है वो ग्रेटर है एंड बाई विच लेंथ वो ग्रेटर है सो so स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर फाइंड करना रिक्टेंगल का लेंथ कितनी ट्रैंगल की गिवन है दैट इज़ सेवन बाई सिक्स सेंटीमीटर ब्रेथ कितनी है ये रही ब्रेथ जितनी ये वाली होती है उतनी ऊपर वाली होगी दैट इज़ टू थ्री बाई फोर ये हमें ब्रेथ गिवन है मिक्सड फ्रैक्शन में गिवन है इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे ब्रेथ को भी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया आप देख सकते हो यहाँ पे देन नेक्स्ट अब हमारे पास पैरीमीटर की लेंथ भी है ब्रेथ भी है हम अभी फाइंड करके हटे हैं सो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा टू इन टू एल प्लस बी लेंथ की वैल्यू ब्रेथ की वैल्यू सब्सिट्यूट की हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है हमने कैसे लेना है फोर सिक्स करके ऐसे करके हमने इसका एलसीएम लेना है से मेरा आया थ्री टू जो सिक्स सिक्स टू जो ट्वेल्व मेरे ट्वेल्व एल्सीम आ रहा है आप देख सकते हो ईज़ी मैंने सारा एलसीएम ले लिया एलसीयम लेने के बाद जो कैंसिल इसको दोनों को ऐड किया जो कैंसिल हो रहा है कटिंग हो रही है उसको कैंसिल कर दो दैट इज़ टू सिक्स और ट्वेल्व ये कैंसिल हो गया ये मेरा आंसर आ गया बट मेरे दोनों के दोनों आंसर्स किस फॉर्म में है मिक्सड फ्रैक्शन की फॉर्म में तो मैंने इसको भी मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया कर दिया चेंज बट मैंने आंसर क्या लेके आना था कि, कि किसका पैरामीटर ग्रेटर है मैंने ये बताना था तो ये आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए सुनाओ पैरीमीटर कितना आया था हमारा ट्राइंगल का पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई हमारा आया था वन हंड्रेड सेवेंटी सेवन बाई ट्वेंटी एंड पैरीमीटर ऑफ रिक्टेंगल बी सी डी ई वो हमारी कितनी वैल्यू आई है वो हमारी वैल्यू आई है फोर्टी सेवन बाई सिक्स फोर्टी सेवन बाई सिक्स अब हम क्या करेंगे अब हम अगर इसको ये वाली वैल्यू को ऊपर नीचे टू के साथ मल्टीप्लाई करें देखो क्या करते हैं पहले हम सिक्स एंड ट्वेंटी का LCM ले लेते हैं ठीक है सिक्स एंड ट्वेंटी का एलसीएम लेके इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे टू के साथ हमने एलसीएम लिया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है मेरा एल्सीय का आंसर आ रहा है थ्री टू जो सिक्स फाइव टू जो टेन दैट इज सिक्सटी मेरा ऐलसीम का आंसर आ रहा है सिक्सटी तो अब मैं क्या करूँगी इसको इसका डिनोमिनेटर भी सिक्सटी बनना चाहिए और इसका डिनोमिनेटर भी सिक्सटी बनना चाहिए इसका डिनोमिनेटर सिक्सटी कैसे बनेगा ऊपर नीचे थ्री के साथ मल्टीप्लाई करने के पर इसका डिनोमिनेटर सिक्सटी बनेगा और इसका डिनोमिनेटर सिक्सटी बनेगा ऊपर नीचे टेन के साथ मल्टीप्लाई करने के पर तो ये आ गया मेरा ये और यहाँ पे आ गया सिक्सटी दैट इज़ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा आया फाइव थर्टी वन फाइव थर्टी वन डिवाइड बाई सिक्सटी एंड एरिया ऑफ़ रिक्टेंगल आया फोर सेवेंटी बाई सिक्सटी तो आप देख सकते हो इजिली कंपेयर कर सकते हो बिकॉज डिनोमिनेटर तो सेम है न्यूमिनेटर में हाइयर वैल्यू किसकी है एरिया पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की सो देयरफॉर पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज़ ग्रेटर फ्रॉम दीज टू इज़ ग्रेटर फ्रॉम दीज टू नाउ वी आर विद द सिक्स क्वेश्चन दैट इज द नाउ सिक्स क्वेश्चन इज सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम द पिक्चर इज ऑफ लेंथ दिस मीटर वाइड दिस सेंटीमीटर वाइड टू फिट इट इन अ फ्रेम पिक्चर कैनॉट बी मोर देन सेवन थ्री बाय टेन सेंटीमीटर वाइड हाउ मच पिक्चर शुड टू बी ट्रिम्ड हमारे पास एक फ्रेम है सलील क्या चाहती है सलील एक पिक्चर उसमें फ़िट करना चाहती है पिक्चर की वाइडनेस इतनी दी गई है एंड फ्रेम की वाइडनेस इतनी दी गई है कि इससे ज़्यादा पिक्चर उसमें फ़िट नहीं आ सकती तो हमें पिक्चर को कितना कट करना पड़ेगा वो हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ पिक्चर क्या है दैट इज़ सेवन थ्री बाय फाइव मिक्सड फ्रैक्शन है इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें कर लिया देन लेंथ ऑफ फ्रेम कितनी थी उसको भी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया अब पिक्चर कितनी कट करनी पड़ेगी कैसे पता चलेगा जो पिक्चर की ओरिजिनल लेंथ थी उसमें से हम फ्रेम की लेंथ माइनस कर देंगे बिकॉज पिक्चर जो है वो बड़ी है ग्रेटर वन पिक्चर को हमने फ्रेम में छोटे फ्रेम में इतनी बड़ी पिक्चर को हमने इतने से फ्रेम में फिट करना है तो पिक्चर कितनी कट करनी पड़ेगी ये वाला पार्ट हमने फाइन आउट करना है तो कैसे फाइंड करेंगे पिक्चर का साइज राइट कर लिया फ्रेम का साइज राइट कर लिया दोनों तो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कि पिक्चर कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी फाइव एंड टेन का अब हमने एल्सियम लिया एल्सियम लेने के बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बिकॉज सब्ट्रैक्शन का साइन था सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे थ्री बाय टेन सेंटीमीटर इज अर आंसर थ्री बाय टेन सेंटीमीटर हमें पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा ताकि वो फ्रेम में फिट हो जाए नाउ सेवन पार्ट नाउ वी आर विद द सेवंथ क्वेश्चन इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन रितु एट थ्री बाय फाइव पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज इटन बाई हर ब्रदर सोमो हाउ मच पार्ट डिड सोमू ई ईट एंड हुड द लार्जस्ट शेयर बाय हाउ मच क्या हमने बताना है यहाँ पे बोल रहे हैं कि रितु ने एक एप्पल लिया उसका इतना पार्ट उसने खा लिया बाकी का रिमेनिंग एप्पल उसने अपने ब्रदर सोमू को दे दिया हमने फ़ाइन करना है कि सोमू ने कितना एप्पल खाया एंड किसने ज़्यादा एप्पल खाया और कितना ज़्यादा खाया एक तो हमने फाइन करना है सोमू ने कितना एप्पल खाया दूसरा हमने फाइंड करना है कि किसने ज़्यादा खाया और ज़्यादा खाया तो कितना की ज़्यादा खा लिया एक एप्पल है हमारे पास टोटल एप्पल दैट इज़ वन बिकॉज ऑ पार्ट ऑफ एन एप्पल देट इज़ वन एप्पल रितु ईट थ्री बाई फिफ्थ पार्ट ऑफ दैट एप्पल हाँ सोमू ने कितना खाया होगा टोटल एप्पल में से रितु ने जितना खाया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एल्सियम लेके आप इजली यहाँ तक कर सकते हो तो सोमू ने जितना एप्पल खाया वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू दैट इज़ टू बाय फाइव अब ईजिल पता चल रहा है बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है कि रितु ने ज़्यादा एप्पल खाया है बिकॉज देर इज़ थ्री इन द न्यूमिनेटर एंड सोमू के न्यूमिनेटर में है टू सो देव फोर रितु ई मोर एप्पल सोमू ने कितना एप्पल खाया वो पता चल गया ज़्यादा किसने खाया वो पता चल गया अब कितना ज़्यादा खाया, खाया वो कैसे पता चलेगा डिफरेंस से किसका डिफरेंस रितु एंड सोमू का हमने डिफरेंस फाइंड किया दैट इज़ वन बाय फाइव सो द डिफरेंस इज़ वन बाय फाइव रितु ईट मोर एप्पल

अब हमने देखना है कि किसने ज़्यादा समा लगा के वर्क किया एंड समा कितना ज़्यादा लगाया वो हमने फाइंड आउट करना है नाउ लेट्स स्टार्ट सो हमें टाइम गिवन है बिजल का टाइम गिवन था वो हमने राइट कर लिया टाइम टेकन बाय बिहेव वो हमें गिवन था वो हमने राइट कर लिया टू टाइम्स हमें गिवन है हमने फाइंड क्या करना था कि कौन ज़्यादा टाइम पेंटिंग कर रहा था पहले क्या करेंगे कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा टाइम पेंटिंग कर रहा था पहले हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी हमें फ्रैक्शन से वैल्यू का पता चलेगा कि किसने ज़्यादा समय लेके पेंटिंग की है ड्राइंग कलरिंग की है सो दोनों का एल्सीम लेंगे एल्सीय आया हमारे पास ट्वेल्व एल्सीय क्या आया हमारे पास ट्वेल्व तो हमें कैसे पता चलेगा दोनों के डिनोमिनेटर हमें ट्वेल्व बनाने पड़ेंगे फर्स्ट का तो 12 था ही तो इसको ऊपर नीचे वन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सेकेंड थ्री बाई फोर वैल्यू को मैंने ऊपर नीचे थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा ट्वेल्व बन जाए डिनोमिनेटर में अब मेरे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं अब देख सकते हो कि भिव ने नाइन बाई ट्वेल्व टाइम लिया है तो भिवब टेक्स मोर टाइम एंड कितना मोर टाइम लिया था वो भी हमने फाइंड करना था वो कैसे पता चलेगा विद द डिफरेंस भीवव ने ज़्यादा टाइम लिया तो बड़े में से हम छोटे वाला सामान निकाल देंगे दैट इज़ द इसको सॉल्व करेंगे दैट इज़ द टू बाई ट्वेल्व टू बाई ट्वेल्व मीन्स वन बाई सिक्स 1 by 6 r 1 by 6 r means 1 by 6th part of r viva takes more time viva takes 1 by 6th part of the r more than the mixture now with this our exercise is completed so thanks for watching please share like my video with your friends please share if you like any of the content in this video if any of the question is useful for you please like my video thank you very much